discuss and in previous lectures we are studying chapter number 20 travel time. It is the last chapter of our syllabus. In this chapter, we have the topics clear किए. First तो हमने animals transportive chapter travel time, traveling से related है. Travel means going from one place to another place. And we in olden times we use animals to move from one place to another place. One place से another place पे जाने के लिए हम animals का use करते थे पहले. धीरे-धीरे technology के development के साथ-साथ में नए-नए vehicles का use किया जाने लग गया travel करने के लिए. तो first हमारा topic था वो animals था. ट्रैवल के लिए एनिमल यूज होते हैं. सेकंड इसमें हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल. एनिमल के लिए हमारे मन में क्या फीलिंग होनी चाहिए वो हमने पढ़ा. हॉर्सशिप पढ़ा. पेनफुल ट्रैवल, ट्रैवलिंग करने के लिए हमको पे करना पड़ता है, मींस पैसा देना पड़ता है. उसमें हमने ट्रेन टिकट्स के बारे में स्टडी किया था कल. नेक्स्ट टॉपिक बस टिकट. बस टिकट यानी बस से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हमको टिकट परचेज करने होते हैं और उस टिकट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है वो सारा हमने पढ़ा था. किस तरह से टिकट चेक करने वाला कौन कहलाता है बस में? कंडक्टर. ट्रेन में टिकट चेक करने वाला टीसी, टिकट चेकर. और इसके बाद हमने एयर टिकट के बारे में स्टडी किया था. हमने पढ़ा था कि इन तीनों के अंदर हम एडवांस बुकिंग इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं और हमको ट्रेवलिंग करने के लिए टिकट पहले से लेना जरूरी होता है. विदाउट अगर टिकट परचेज की हम ट्रैवल करते हैं तो हमको पनिशमेंट मिल सकती है या हम पे फाइन लग सकता है. ये हमारा हो गया था आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का. CURRENCY नोट्स एंड कॉइन्स. करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स मतलब नोट्स एंड कॉइन्स हम सब वाकिफ है क्या होते हैं. नोट्स एंड कॉइन्स जो हम डेली अपनी लाइफ के अंदर यूज करते हैं किसी भी चीज का पेमेंट करने के लिए, पे करने के लिए. व्हेन यू वांट टू बाय अ बॉक्स ऑफ पेंसिल फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप व्हाट यू डू, आप क्या करोगे अगर बॉक्स लेने जाते हो, कुछ भी चीज परचेस करने जाते हो मार्केट में तो आप क्या करते हो? यू गो टू द शॉप. आप शॉप पे जाते हो, पे मनी, आप मनी देते हो उनको, पैसा देते हो, देन आपको वो चीज आप परचेस कर सकते हो. तो जो पे करने के लिए आप उनको चीज देते हो किसी भी शॉपकीपर को, वो जो चीज होती है दैट इज मनी. दैट इज मनी, द मनी दैट यू पे टू बाय गुड्स इज कॉल्ड करेंसी. और जो पैसा आप देते हो, जो भी मतलब फिजिकल थिंग आप शॉपकीपर को देते हो वो होता है हमारी करेंसी. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट करेंसीज. करेंसी इंक्लूड्स बोथ नोट्स मेड अप ऑफ पेपर एंड कॉइंस मेड अप ऑफ मेटल. डिफरेंट जो करेंसी कंट्री है जैसे इंडिया, जापान, अमेरिका, हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है. जैसे हमारे इंडिया के अंदर कौन सी करेंसी चलती है? रुपी. अगर अमेरिका में चले जाओगे तो वहाँ पर रुपी नहीं चलता, वहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर. तो इस तरह से हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है और इस करेंसी के अंदर नोट्स भी आते हैं और कॉइन्स. नोट्स पेपर के बने होते हैं एंड जो कॉइन्स है वो मेटल के बने होते हैं. समझ में आ गया आपको अपने पैराग्राफ? सेकंड पैराग्राफ देखिए पेज नंबर 137. रूपी इज द करेंसी ऑफ इंडिया. रूपी कहाँ की करेंसी है? हमारी कंट्री की, हमारी कंट्री इंडिया की. द सिंबल ऑफ रूपीज इज, और हमारी करेंसी की जो रूपी है उसका सिंबल ये वाला होता है, इसको इस तरह से शो करते हैं, इसका मतलब रूपी. द करेंसी नोट्स आर अवेलेबल फॉर, जो करेंसी के नोट्स होते हैं कागज के जो नोट्स होते हैं उसको 1 रुपीज का भी मिल जाता है, 2 रुपीज का नोट्स भी होता है, उसके बाद में 5 रुपीज का नोट होता है, 10 का होता है, 20 का होता है, उसके बाद में 50, 100, 500 और अभी 2000 का नोट भी आता है. 200 का नोट भी आने वाला है और 100 के बाद में 200. तो इस तरह से 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000 के नोट्स अभी हमारे इंडिया की करेंसी में अवेलेबल हैं जो रनिंग में हैं. कॉइन्स आर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 50 पैसा. कॉइन्स जो है वो 50 पैसे से स्टार्ट होते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, उसके बाद में 5 रुपी, 10 रुपी. इसके कॉइन्स अभी हमारे इंडिया में करेंसी का रनिंग में चल रहे हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज ऑल करेंसी नोट्स ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. हमारे इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो ये सारे नोट जो है इशू करता है, जारी करता है, केवल 1 रुपी के नोट के अलावा. 1 रुपी का जो नोट होता है उसको इशू नहीं करता है, बाकी जो सारे नोट
बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है. द रुपी वन नोट एंड ऑल द कॉइंस आर इशूड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. इसके अलावा जितने भी कॉइंस हैं और वन रुपी का जो नोट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, इशू नहीं करता है, उसको करते ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो इनको इशू करता है. नेक्स्ट नीचे आ जाइए, ये कॉइन्स की पिक्चर है और नोट्स की पिक्चर है. उसके बाद में ऑब्जर्व अ कॉइन केयरफुली. एक कॉइन आप देखिए, आपने देखा भी होगा. व्हाट डू यू सी, क्या देखते हो आप? अ कॉइन हैज अ नेशनल एम्ब्लेम ऑन द साइड ऑफ ऑन वन साइड कॉल्ड हैट्स. हमारे जो कॉइन होता है उसके वन साइड में नेशनल एम्ब्लेम होता है, इस तरह से है ना, जिसमें थ्री लॉयंस फोर लॉयंस वाला जो नेशनल एम्ब्लेम है वो वन साइड पर ड्रॉ होता है, जिसको हेड्स बोलते हैं. इस साइड को हेड बोलते हैं और जो अदर साइड है इसका दूसरा साइड होता है उधर. इसके अलावा जो वन साइड है हेड्स पे, इधर वैल्यू ऑफ कॉइन एंग्रेव्ड ऑन द अदर, और जो दूसरा साइड है वहाँ पर वैल्यू ऑफ कॉइन, यानी कि इस कॉइन की कितनी वैल्यू, कितने रुपये का ये, कितनी इसकी वैल्यू, कितने रुपये का वन रुपये का वो इसके ऊपर एंग्रेव्ड होता है, उद्धवा होता है. इसको टेल बोलते हैं, ये हेड्स एंड ये टेल. ऑन द करेंसी नोट, ऐसे सेम करेंसी नोट जो होता है ये, इसके भी टू साइड्स होते हैं, ठीक है. ऑन द करेंसी नोट वी हैव द नेशनल एम्ब्लेम, अ पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी एंड द वैल्यू ऑफ करेंसी नोट, द सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द वाटरमार्क. हमारे जो नोट्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रिंटेड होता है, उस पर प्रिंट होता है हमारा नेशनल एम्ब्लेम, उस नोट की वैल्यू एंड कीमत. इसके अलावा उसके ऊपर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा है उसका उसके गवर्नमेंट का सिग्नेचर होता है, और उसके ऊपर वाटर मार्क होता है. वाटर मार्क क्या होता है, अ स्पेशल साइन विच हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन रियल नोट एंड फेक नोट. एक स्पेशल वाटर मार्क होता है, धागा होता है, जिससे पता चलता है कि नोट फेक तो नहीं है, नकली तो नहीं है, या रियल है कि नहीं. उसके लिए हर नोट का एक वाटर मार्क होता है. जिस नोट में वाटर मार्क नहीं है इसका मतलब कि वो जो नोट है वो क्या है, फेक है. नाउ नेक्स्ट पेज पर आइए, इसमें आपको पिक्चर्स दी गई है डिफरेंट कंट्री में चलने वाले डिफरेंट करेंसी की पिक्चर है इसके अंदर. उसके बाद में लास्ट टॉपिक है हमारा ओल्ड एंड न्यू करेंसी. करेंसी हैव बीन यूज्ड बाय द पीपल सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. जब से इंसान ने जीना सीखा धीरे धीरे करके नोट्स का कॉइन्स का यूज होने लगा, मतलब करेंसी का नोट यूज होने लगा. कॉइन्स बिलोंगिंग टू ओल्ड किंग्स हैव बीन फाउंड इन हिस्टोरियन एंड एग्रीकल्चरोलॉजिस्ट. जो पुराने समय के राजा जो थे हमारे, उनके टाइम के कॉइन अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए आप जो हमारा म्यूजियम है उसमें जा सकते हैं. दे हैव स्टडीड द राइटिंग एंड द इमेजेस ऑफ द कॉइन्स टू नो मोर अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू कॉइन्स. वो पहले के जब जो हमारे किंग्स थे, एंशियंट किंग, वो जो कॉइन यूज करते थे उस कॉइन से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, पुराने टाइम की स्टडी जो लोग करते हैं हिस्टोरियन, वो उस नोट से स्टडी करते हैं, उस कॉइन का यूज करते हैं, क्योंकि उस कॉइन पर टाइम लिखा होता है कि किस राजा ने किस टाइम से लेके किस टाइम तक रूल किया और उनके नोट किस मटेरियल को वो यूज करते थे इस कॉइन्स को बनाने के. तो इस तरह से बहुत सारी नॉलेज कॉइन से हमें उस टाइम के राजा के बारे में पता चलती है. इन द एज ऑफ किंग्स एंड क्वीन कॉइन वर मेड इवन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. यहाँ तक कि पहले के टाइम के जो किंग्स थे उनके जो कॉइन्स थे वो गोल्ड में सोने चांदी के भी बनते थे. टुडे कॉइन्स आर मेड अप ऑफ मिक्स्ड मेटल. आजकल गोल्ड के और सिल्वर के कॉइन नहीं बनते, आजकल तो जो डिफरेंट मेटल उनको मिक्स करके कॉइन्स बनाए जाते हैं. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर के क्या कर लेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारे इसकी नेक्स्ट क्लास में. आज भी आपको ये चैप्टर नंबर 20 ट्रैवल टाइम अब आपको पूरा अच्छे से रीड करना है और